तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने दिन के कामों की शुरुआत करते हैं। यहाँ हमारा दूध पक चुका है और चलिए आज हम लोग बनाते हैं बेसन का चीला। तो इसमें हमने बेसन घोल लिया है। इसमें टमाटर, हरा धनिया, प्याज और धनिया और नमक और मिर्च, यही सब डाल लिया है कट करके। तो अपना पैन गरम करेंगे और हम इसमें बेसन का चीला बनाएंगे। तो ये हमने सारा मिक्सचर बना लिया है। अब हम अपने पैन को गरम करके इसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे और अपना बेसन का चीला बनाएंगे। तो फिर देखिए, ये मैंने थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच करीब डाल दिया और इसको थोड़ा थोड़ा सा फैला दिया, जितना फैला सके, क्योंकि उसमें प्याज वगैरह डली है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह भी डाला है। आपको जो भी अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। तो ये हमारा चीला बन रहा है, देखिए कितना अच्छा है और कितना कलरफुल लग रहा है और बहुत ही टेस्टी भी लग रहा था। जब खाया तो लग रहा था जैसे उत्पम खा रहे हैं। तो फिर ये देखिए, ये हमने 800 पे रखा हुआ है इंडक्शन पे और हम इसे धीमी आँच में पकाएंगे। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम लोग ये अपना और बैटर उठा लेते हैं। जब तक हमारा एक चीला पक रहा है, ये देखिए, ये इसको हम अभी पलट देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बन गया है और हम इसी तरह से अच्छे से पकाएंगे। और जब हम लोगों ने इसे बनाया तो ये बहुत ही टेस्टी भी लगा और मैंने लंच में भी इसी को दिया था, टिफ़िन में पैक करके भी। और हम इसे पिज़्ज़ा की तरह थोड़ा सा कट भी कर लेंगे ताकि ये और अच्छे से अंदर से सिक जाए। तो इसको हमने इस तरह से बड़े से नाइफ से इसको 2 पीस में डिवाइड कर लिया। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं? हमारे यहाँ तो कभी कुछ भी बन जाता है, कभी दलिया, कभी पूरी, कभी हलवा। ये देखिए, ये हमारा चीला बेसन का रेडी हो गया है। अब हम इसे प्लेट में ले लेंगे और दे देंगे जिसको भी खाना होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं उसको देखें। ये देखिए, ये हमारा चीला रेडी हो गया। अब हम इसको टिफ़िन में पैक कर देंगे और ये लंच में बच्चे ले जाएंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से हम, ये देखिए, ये हमारा चीला इस तरह से बन के रेडी हो गया। कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है, कितना कलरफुल लग रहा है, क्योंकि इसमें धनिया टमाटर वगैरह डाला हुआ है, टमाटर धनिया, तो इसलिए रेड रेड ग्रीन ग्रीन देखने में अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब।